हर हाथ को काम देंगे, हर खेत को पानी। सो ऐसा मानना था हमारे भारत रत्न अवार्डेड इस ईयर के नानाजी देशमुख जी का। आज मैं हम जहाँ चलने वाले हैं वहाँ पर नानाजी देशमुख जी ने अपनी लाइफ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स निकाले हैं। सो हे गाइस, माय नेम इज शेयर, एनी गाइस आर वॉचिंग लाइव टेलिंग, वेलकम बैक टू यू चैनल। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट द लाइक बटन, ऐसे होगा थम्स अप। सो आज हम जहाँ चलने वाले इस प्लेस का नाम है प्रभा ग्राम, और वहाँ पर नानाजी देशमुख जी ने अपनी लाइफ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स निकाले हैं। और बहुत अच्छी जगह है, और साथ में एक टेम्पल है शिव जी को, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और साथ में बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है। तो बिना टाइम वेस्ट करें मैं 10 मिनट से रेडी हो जाता हूँ और फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं। आज मेरे साथ में बहुत इंपॉर्टेंट इंसान होंगे, देखते हैं ट्रिप पे। सो यू गॉट टू स्टे विद मी एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फाइनली हम लोग आ गए हैं ये मेन गेट प्रभा ग्राम का। राइट में उधर देख रहे हो आप, उस साइड है टेम्पल और इस साइड चलना है हम लोग को, इधर इधर घूमने की जगह है ना। तो पहले हम लोग चलते हैं टेम्पल उस साइड वाले में, पहले टेम्पल घूम लेंगे और फिर चलते हैं हम लोग को। यार वेदर थोड़ा अच्छा हो गया क्योंकि धूप कम है और बारिश हुई है यहाँ पर। हम लोग निकले थे तो बारिश तो नहीं हुई थी, मगर इस साइड लग रहा है बारिश हुई है ना, लग रहा है पूरी बारिश हुई है। तो पहले चलते हैं मंदिर और फिर चलते हैं इस साइड में। 10-10 रुपीज की टिकट लगती है नॉर्मल, और 5 रुपए टिकट देते हैं बाइक का। कह रहा था लोगे कि नहीं लोगे, हमने कहा नहीं जरूर लेंगे, बाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पल और टेम्पल के बीच में है शिव जी, और बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इसके साइड साइड में सारे देखो, सारे किसके सबके बने हुए हैं, सारे भगवान सारे, वो स्टार्टिंग विद कृष्ण जी, फिर शंकर जी एंड पार्वती जी, एंड फिर ये क्या है, ये कौन सी दुर्गा माता, तो स्पेशल है सबसे हर जगह से। और फिर ये इतने साथ साथ में ये जो आप मतलब ये वॉल पे सब पे अलग अलग बनाया गया है कि एकदम हैंड से बनाई गई हुई है, जैसे राउंड कपूर हो गया, फिर ये गंगा पूजन की भक्ति का ये बना हुआ है कैसे गंगा जी के करते हैं, साथ में जय गुरु शंकर जी, केदारनाथ का पूरा प्रॉपर से एकदम पूरा बनाया गया, बहुत अच्छा लगता है इससे। फिर श्रवण कुमार, इनकी कहानी सबको पता है, माँ बाप उनके, और साथ में उस पे इसमें जो इवन मैंने गांधी जी पे करंटली मैं गांधी जी के बारे में पढ़ रहा था, तो गांधी जी अपने बचपन की एज में बहुत ज्यादा इनसे प्रभावित थे, मतलब इन बहुत ज्यादा। फिर इधर संतोषी माता, फिर ये भगवान कार्तिक, गांधी जी का वो, ये हर की पौड़ी जो हरिद्वार में है, हरिद्वार वाला वीडियो मैंने दिखाया था, ये हरिद्वार वाला सेम चीज वही वाला सीन है। यहाँ पर पूजा होती है रात में, गंगा आती शाम को, हर शाम को, तो उसका वीडियो भी देखना मिला। और इधर शीतला माता, माँ सरस्वती स्पेशल, इसके बाद मुख्या देवी का मंदिर जो है पूरा बाहर से, भगवान नारायण, माता लक्ष्मी, काशी विश्वनाथ मंदिर, और साथ में काशी विश्वनाथ वाला जो हम लोग की यूनिवर्सिटी है जहां से मैंने किया है अपना ग्रेजुएशन, फिर हरिश्चंद घाट, बारिश हुई इसलिए पानी है और पानी में स्लाइड होता है पैर, फिर तिरुपति बालाजी, फिर इस साइड में गायत्री माँ, फिर माँ कालेश्वर, फिर इस साइड में श्री राम, और फिर ये अटक राज जो इसकी उनके साथ में आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, स्टैचू नहीं जो ब्लैक कलर की क्या आती है नटराज अली, वो है ना, वही वही तो है। फिर इस साइड में आके आपका भगवान हनुमान, इसके बेटे बालाजी, इस साइड से निकलने का गेट, एंड गणेश जी अपने गणपति बप्पा, फिर विश्वकर्मा भगवान, फिर इसके बाद माँ शंकर माता काली, फिर एंड द स्पेशल हनुमान जी,
और फिर इस साइड में शंकराचार्य जी, फिर गंगा भोजन भक्ति का ये मेन गेट, और इस साइड में सबसे ऊपर, सबसे ऊपर तो माता जी हैं, दुर्गा माँ, ये शंकर जी। सो ये है ये मेनली इसका अंदर का टेम्पल, जो बहुत प्यारा सा बना हुआ है, बहुत बड़ा सा बना है, और ऊपर का भी देखो कितना अच्छा बना हुआ है, ये देखो कितना ऊपर तक गया है। तो इसके साथ में ही बाहर भी ऐसे ही सबका बना हुआ है, वही मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, क्या ऐसे क्यों देख रहे हो, बहुत ऊपर तक बना है, और इसके अंदर अंदर भी दिखेगा ना, एक सेकंड, नहीं नहीं अंदर बहुत डीप में नहीं है, अंदर इतना ही है, अरे बच गया, सॉरी। सो अभी हम लोग, अभी मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ और फिर मैं बताता हूँ आपको भाई नाना जी भाई से के बारे में। जैसे अंदर सारे मने में वैसे ये सही, बाहर भी इस साइड साबा जो इधर नहीं इधर सही है, वैसे ये विवेकानंद, फिर इस साइड में रामकृष्ण परमहंस, परमहंस जी रामकृष्ण मामा जी, और ये तो देखो क्या हुआ, ये निकल गया, निकल गया इन्हीं के पीछे का शारदा माता। फिर इस साइड से ऐसे पूरे में रामेश्वरम, मतलब पूरे इंडिया में जितने भी वो फेमस है उन सबका पूरा सही से बनाया गया है। फिर इधर आके आप पहुंचो मीनाक्षी मंदिर, ये फिर ऐसे ही यहाँ साइड से कंटर्न करते हुए पूरा चित्रकूट का घाट, फिर इसमें जगन्नाथपुरी, फिर स्वामी नारायण छपिया वाला ना, ये स्वामी नारायण छपिया, इसका ही मैंने पूरा वीडियो बनाया प्रॉपरली पूरा अच्छे से, वहां पे भी है, ये तो है ही साईराम, साई भगवान जी, फिर इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी। जल्दी मैं यहाँ भी चलूंगा, इनका बर्थ प्लेस यहाँ हम लोग के गोंडा के पास में ही पड़ता है, कहाँ पड़ता है वो क्या नाम, पस्का ना, पस्का। तो जल्दी मैं कोशिश करूंगा, अभी क्या कहते हैं वहां बारिश हुई ना, क्योंकि वहां पास में लेक है तो पानी बहुत हाई हो गया इसलिए वहां जा नहीं पाए थे। इसके साथ में ये महर्षि वशिष्ठ जी, फिर इस साइड में आके भगवान बलराम जी, साथ में बोध गया, फिर ये कालिका मंदिर, फिर ये मीराबाई, फिर इसके बाद बद्री नारायण, सर इंडिया पूरा कवर है, फिर आके आके नाथमुख देव जी, गंगोत्री, और यहाँ पर ये भी लिखा है कि किसके द्वारा बनवाया गया था, वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश शासन के इसके साइड में। फिर आके यहाँ पर आप आ गए महर्षि वाल्मीकि जी, ये कैलाश पर्वत के साथ में प्रहलाद जो आग में बैठ गए थे उनके साथ में, फिर ये रसमुंडा जी, फिर अमरनाथ की शिवलिंग जो सबसे फेमस है, फिर साथ में ये परशुराम जी एकदम गुस्से में है, नहीं मतलब फेस खुश है। आपको क्या लगता है, देखो कुछ ऐसा ही है, और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या क्या है, मतलब खुश लग रहे हैं कि अच्छे वो लग रहे हैं, लग रहा है कि बस सामने मत आना बीच में इनके। द्वारिका जो गुजरात में है, और फिर आके आपका महर्षि विश्वामित्र जी और कबीरदास जी, आइए पुष्कर और महर्षि वेदव्यास जी, और ये मेन गेट यहाँ के टेंपल का। तो अब ये तो टेंपल कंप्लीट हो गई, अब हम लोग चलते हैं साइड में जो इतना बड़ा बना हुआ है उसको घूमते हैं अच्छे से। अच्छा साइड में मेरे ये बगल में एक चीज है, ये देख लो डोम टाइप का, एक्चुअली ये डोम नहीं है, स्पेस वाला डोम नहीं है, ये डोम ऐसा है कुछ टाइप का, यहाँ पर अगर आप साउट करते हैं तो पूरे में गूंजता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो अभी हम लोग चलते हैं और दिखते हैं नीचे। इंटरेस्टिंग है ना कि यहाँ पर आवाज पूरी इको करती, पूरी साउंड करती है, आप देखो कुछ बोलोगे पता नहीं कितनी रिपीट हो रही है, तो बोलो कुछ आवाज ही नहीं सही आएगी। नहीं मगर बहुत सही चीज है, ये सही चीज है, और आवाज देखो कैसे इको कर रही है, तो पूरे उसमें क्या सही चीज है। अभी को मैं बाहर दिखाता हूँ, मतलब यहाँ देखिए नॉर्मल, वहां इतनी ज्यादा इकोरती, मतलब इतनी ज्यादा घुसती है। ये मेन गेट था इस साइड से, मगर अगर बाइक से आते हैं तो बाहर उस साइड में, ये मेन रोड है ना, तो बाइक से आने के लिए उस साइड रहेगा जाने के लिए। और इधर एक छोटी सी मंदिर, आ जाओ इधर आ जाओ, वो भी तरीका है, ये देखो कौन है, ये पकड़ के मारेगा तो नहीं हमको, गुस्सा उस्सा बैठा है, मार और देगा नहीं वो है दिख गया, वो देख रहा है, मार और देगा आपके चक्कर में, हनुमान जी है ये, हनुमान जी है।
तो गाइस अभी होने लगी है यहाँ पर बारिश और ये बहुत अच्छा लगने लगा है, तो इसे लाइट एक्स्ट्रा इसकी थोड़ा सा ज्यादा है। मैं अभी कैमरे को फ्लिप करूंगा तो मुझे देखना आप, मगर इनको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, कह रहे हैं कि बारिश में भीगना नहीं चला जाएगा, नहीं आंखों में पानी चला जाएगा। देखो क्या लिखा है, शिवकांत पांडे स्वच्छता प्रमुख हम है। अरे भीग जाओ बे। अब बारिश भी ज्यादा होने लगी है। एक्चुअली मेन स्टोरी ये है कि जो नानाजी देशमुख जी थे उन्हीं ने सब कुछ ये बनवाया था, सब कुछ उनके अंडर में। अभी बारिश होने लगी इसलिए मैं पास में जा नहीं पाया। देखो वहां पर एकदम दूर एक स्टैचू है, वो थोड़ा सा शायद हो सकता है काफी दूर है, मगर देखो अगर दिख रहा है तो ठीक है, देखिए, नहीं तो फिर मैं अभी कैमरा दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। सो ये अभी यहाँ एक पहले यहाँ बोटिंग हो रही थी, जो अभी बोटिंग होना बंद हो गई है पानी यहाँ पास में, बिकॉज बारिश होने लगी इसलिए थोड़ा सा वो हो गया, मगर वेदर अच्छा हो गया, मस्त माहौल बन गया है। तो अभी ये जितना भी बनवाया था उनने, मतलब वो टेंपल से लेके ये सारा सब कुछ, ये सब नानाजी देशमुख जी ने बनवाया था। और इवन 1977 में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, 1977 में ये यहाँ के बलरामपुर से वो लोकसभा सीट के लिए चुने गए थे, साथ में जीते थे, मतलब एमपी हुए थे यहाँ से। और साथ में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो गवर्नमेंट आई थी, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के 2000 के टाइम पे, तब उस टाइम पे वो राज्यसभा मेंबर भी बनाए गए थे। तो अभी ये भाग में है, बारिश हो रही है तो बारिश थोड़ी तेज हो रही है, तो हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा। गाइस फिश देखो, फिश कितनी ज्यादा है एक साथ में। अभी हम तो यहाँ खाना कर रहे थे तो इतनी ज्यादा हो गई थी, ऐसा लगता सब ऊपर ही आ जाएंगी। एक्चुअली ये है नानाजी देशमुख जी का पार्क, छोटा सा उद्यान, और इधर बैक में है यहाँ पर नानाजी की कुटी, ये ऊपर। तो मगर पहले अभी उद्यान को बंद कर दिया गया है, ये बात है। और साथ में यहाँ पहले बोटिंग होती थी, मगर अभी ये बोटिंग नहीं होती है आजकल यहाँ। गाइस ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज ये कौन सा फूल है ये बताओ, कमेंट करो। कमेंट करने की जरूरत है, कर देना, पर मैं बता देता हूँ, ये फूल है कमल का फूल। जनरली कमल का फूल दिखता नहीं है, नॉर्मल सी बात है, जहां पानी होगा वहीं होगा, मगर ये कमल कितने बड़े बड़े फूल दिख रहे हैं, देख रहे हो आप कितने बड़े बड़े, और पत्ते देखो कितने बड़े हैं इसके, लीव्स ऐसे लग रहे सारे, पानी में जो गिरे हुए हैं वो तो एकदम बड़े बड़े हैं। ये तुटके गिरे हैं ऐसे लगे हैं, ये पत्ते जो बड़े वाले हैं जो गिरे गिरे हैं लगे हुए हैं, ये पत्ते लगे हुए हैं ऐसे लगते हैं, ये ऊपर टुटके गिरा है, जो टुटके गिरा है वो सूखा हुआ है, और जो ये बड़े बड़े पानी में जो है ये सब लगे हुए। बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात है यार, ये तो बहुत सही चीज है, और कितना सही लग रहा है ये फूल, और साथ में बहुत ग्रीन है, बहुत ज्यादा ग्रीन भी है, मतलब अच्छा लग जाता है। और जब वेदर इतना अच्छा हो तब तो उसकी डबल वैल्यू आती है, मतलब मौसम भीगा भीगा मौसम, रोमांटिक टाइप का बीज मौसम, और साथ में ये मजे, फ्लावर्स है बगल में, बारिश है, ग्रीनरी है, और क्या चाहिए। अच्छा तो अभी हम लोग चलते हैं उस ऊपर, वहाँ पर लिखा है कोई कुटी, वहाँ चलेंगे, पहले यहाँ पर बारिश होने लगी, चलें ऊपर ही चलते हैं। बारिश 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 बच गए, चिनमय कुटी, अब बारिश से हम लोग बच गए हैं। और बारिश का मौसम देखो यहाँ से कितना सही लग रहा है, ये देखो यहाँ पर तो होने वाला है फोटो सेशन, यहाँ से तो फोटो बड़ी मस्त आएगी, वीडियो सेशन तो होगा ही साथ में, फोटो सेशन भी होगा। तो ये देखो कितना मस्त लग रहा है यार बारिश में। आवाज आवाज पर सुनो, आवाज भाई आवाज सुनो, आवाज ही सुनो बस, ये बहुत तेज है, क्या तेज है भाई, ये बहुत तेज बारिश हो रही है, केवल आवाजें सुनो, केवल आवाजें ऊपर ही लगे, 35 किलोमीटर का सफर नहीं करना होता तो भूलते जरूर आराम से, गारंटी नहीं तो पक्का श्योरिटी के, मतलब ये क्या बारिश है, क्या बारिश हुई, मजा आ गया। नहीं 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 अभी नहीं, जब बारिश बंद हो जाएगी तब भीग लेना। सरस्वती शिशु मंदिर क्या है,
कैसा? ये प्राइमरी स्टेज का एक स्कूल है जो कि इंडिया में हर जगह है, हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में है। बताइए अब पॉइंट ये है, स्टार्ट किसने किया था? यही नाना भाई ने ही करना स्टार्ट किया था। 1950 में गोरखपुर में फर्स्ट टाइम इनने यहाँ बनवाया था नाना भाई जी ने, और वो करते करते आज देख लीजिए पूरे इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 30,000 से ज्यादा भी शिशु मंदिर हैं पूरे, 30,000 से ज्यादा। तो उनने स्टार्टिंग जिसने की थी वो हमारे नाना भाई जी थे और उन्हीं ने स्टार्टिंग की थी। अभी हम लोग चल रहे हैं खरगोश हाउस, मींस रैबिट का हाउस देखने। ये देखो कितने प्यार से बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है एकदम शांत। मेरा मत टूडू, ये देखो ये कुछ लेके आया है, ये कुछ मांग रहा है, इसको कुछ दे दो। आता हूँ मैं, मुझे दो घास, मुझे ठीक है, रुको मैं खिलाऊ। घास तोड़ने पे होनी है, इधर से इधर से लो ना, सब ना लो, काटेगा तो नहीं। देखो रुको मैं खिलाऊ इसको, आप खिलाओ मैं इसको खिलाऊंगा। वो माला उसने, ये आप लो, लो आ जाओ इधर, मेरे पास भी आ जाओ। ये देखो आप, देखो ये ऐसे नहीं होता है, हम भी देखो करते हैं, ये भी है मेरे पास, ये टाइम की अब हम लोग को निकलना है। और ये यहाँ से एंट्री थी, ये देख रहे हो, यहाँ से निकलने का बाइक एंट्री निकल रही है बस। अब हम लोग चलते हैं, बारिश ने बहुत थोड़ा सा लेट कर दिया एक्चुअली, निकलना था पहले मगर निकलने में थोड़ा सा लेट हो गया। और अभी हम लोग चलते हैं एटिया थोक में, खाते हैं वहाँ के दही बड़े जो कि है वर्ल्ड, इसकी वजह से रुक गया था, तो जो कि है पूरे यूपी फेमस तो है ही, तो वहाँ के चल के खाते हैं दही बड़े और फिर करते हैं गुड फाइनली गुड बाय। तो अभी ये निकलते हैं, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, सही है ना, चलो। भाई हम लोग आ गए हैं दही बड़ा खाने, इतिया थोक के दही बड़ा, फेमस दही बड़ा। और साथ में चल, दही बड़ा नहीं मंगाया है, साथ में मंगाया है क्या, लस्सी और चाट। तो सब कुछ ट्राई करेंगे पहले, फिर बताएंगे, फिर उसका रिस्पांस मतलब रेटिंग होगी बाहर जाकर। फाइनली आई एम बैक, और हम लोग आ गए हैं घर वापस। और जो दही बड़े थे उसको रेटिंग कितनी आपके अकॉर्डिंग, 10 में से था, मतलब रेटिंग 10 ऑफ 10 में से कितनी रेटिंग, 9 में से, मेरे अकॉर्डिंग 10। सो एक्चुअली हम लोग फाइनली बैक आ गए हैं, और ये वीडियो फाइनली यहाँ से एंड हो रहा है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। भाई नानाजी देशमुख जी मतलब इंडिया के सबसे ज्यादा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वो उनको मिल चुका है इस साल, उनकी डेथ तो 2010 में हो चुकी थी, बट कोई बात नहीं, वो एक हद कहते हैं ना, हर अच्छे इंसान को कभी ना कभी जाना पड़ता है ऊपर, भगवान जी बुला लेते हैं। सो ये थोड़ी दिक्कत है,
मगर वो बहुत अच्छे इंसान भी थे, साथ में इन्हें इतना सोशल एक्टिविस्ट का इतना अलग वर्क किया हो तो बड़ी बात थी। और ये चपेपा ग्राम तो बहुत इंटरेस्टिंग था आज, साथ में जो बारिश का साथ मिला है ना वो तो जो मजा आ गया है। ये ग्लासेस आपका खुला रहा था मिल गई थी पूरे वीडियो में फैल रहा है सही से। सो अब मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीक एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। सो कम टू योर नेक्स्ट वीक, डू व्हाट यू डू बिकॉज़ योर लाइफ योर स्टाइल चैनल एंड सी या, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।